भी आप उबाल सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना देर आप उबाल सकते हैं, चाय कभी नहीं फटेगी। हेलो गाइस, नमस्ते। आज के रेसिपी में गुड़ वाली चाय बनाएंगे बिना फटे हुए, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे चाय बनाने के लिए यहाँ पे आधा कप से ज़्यादा पानी लिए हैं, एक बाउल में डालते हैं। तो यहाँ पानी उबलने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा अदरक के लिए हैं, 2 इलायची लिए हैं, तो कूट के डालते हैं पानी में। तो यहाँ पे पानी उबल गया है, अदरक इलायची डाल देते हैं, 2 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देते हैं। यहाँ पर अच्छे से इलायची और अदरक उबल गए हैं, तो 1 चम्मच चाय पत्ती डालते हैं। यहाँ पर चाय पत्ती उबल गए हैं, तो जितना पानी लिए थे उससे ज़्यादा दूध लेंगे तभी चाय अच्छे बनेंगे। तो डालते हैं दूध को। यहाँ चम्मच या कलछे से चाय को इस तरीके से चलाते रहना है, चाय अच्छे से बनेंगे। और चाय को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबलने देते हैं, तभी चाय गाढ़ी हो जाएगी और चाय अच्छे बनेंगे। यहाँ 3 से 4 मिनट चाय को उबलने देते हैं, इलायची और अदरक का फ्लेवर अच्छे से चाय में मिलने देते हैं, चाय गाढ़ी होगी तभी अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से चलाते रहना है। यहाँ पे इस तरीके से चाय बनाइएगा तो कभी नहीं फटेगी गुड़ की चाय। तो इस तरीके से चलाते रहना है। तो यहाँ पे गुड़ का भूरा ले लिए हैं, आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो डालते हैं चाय में, 2-2.5 मिनट के लिए उबलने देते हैं। तो इस तरीके से गुड़ की चाय बनाइएगा ना तो कभी नहीं फटेगी चाय। जितना देरी भी आप उबाल सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना देरी आप उबाल सकते हैं, चाय कभी नहीं फटेगी। तो देखिए चाय कितना बढ़िया, इसमें से खुशबू आ रहा है, कलर कितना बढ़िया आया है चाय को। तो गुड़ का चाय बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। यहाँ गुड़ डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए चाय अच्छे से उबल गए हैं, तो चलिए चाय छानते हैं। तो यहाँ पे गैस ऑफ कर लेते हैं, चाय छानते हैं गर्मा गर्म। जो चाय के शौकीन है तो एक बार इस तरीके से गुड़ के चाय जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये बिना फटे हुए। तो स्नैक्स में आलू का भुजिया के साथ गरम गरम एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी गुड़ के चाय बने हैं, ज़रूर बनाइएगा शुगर फ्री, और बहुत टेस्टी लगते हैं गुड़ के चाय। मुझे तो गुड़ की चाय बहुत पसंद है, मैं तो चली पीने। आप भी गुड़ की चाय बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर चाय की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।